वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। आज हमारी स्टोरी थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी। एपिसोड 2, जूलिंग और रोंगयू के घर पर जाती है, जहां पर आज एस्ट्रो से रिलेटेड कुछ होने वाला है। जूलिंग देखती है बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वे तो सोची थी कि कोई छोटा मोटा ही इवेंट है, तो इतने लोग क्यों आए हैं। फिर जूलिंग कुछ बोल के सामने जाती है, तब उसे सारे लोग देखने लगते हैं। तब जूलिंग बोलती है, अगर आप इतने बड़े एस्ट्रो एक्सपर्ट हैं तो मेरे शादी के बारे में कुछ बता सकते हैं आप क्या। तब जो रोंगयू बोलते हैं जूलिंग से, आप अपना बर्थ डिटेल बताइए। उसके बाद जूलिंग बताती है रोंगयू को, और रोंगयू उसका चार्ट देख रहे होते हैं। तब वे बोलते हैं, मुझे तुम्हारा बाल चाहिए होगा। तब जूलिंग उसके पास जाती है और बोलती है, रोंगयू तुम मुझे जानते हो, भले ही हम लोग ऑफिशियली अभी तक नहीं मिले हैं, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ ये तुमको भी पता है। रोंगयू कुछ नहीं बोलता है। फिर तभी रोंगयू पर हमला हो जाता है, और पर जूलिंग उसे हर एक तीर से बचा लेती है। उसके बाद वे उसे पकड़ने जाती है जिसने जो रोंगयू पर हमला किया था। वे उसे अच्छे से घायल कर देती है। उसके बाद जूलिंग जब वापस आती है, तब रोंगयू के साथी बोलते हैं, आप क्यों हमेशा मेरे मास्टर को बुली करते रहती हैं। तब जूलिंग बोलती है, मैंने कब इसे बुली किया है, अभी तक तो मैंने इसे टच भी नहीं किया है। उसके बाद रोंगयू अपना कोट जूलिंग को पहना देते हैं और उसे उसका बुक भी दे देते हैं। तभी उस बुक का कुछ पेजेस दिखाई देता है, जिसमें रोंगयू के कुछ बहुत अलग अलग इमेजेस थे, जिस पर रोंगयू तो शाई फील करने लगता है। पर उसका साथी जूलिंग को बहुत सुनाता है कि आप मेरे मास्टर की ऐसी तस्वीरें अपने पास रखती हैं। तब जूलिंग बोलती है, ये मेरी बुक नहीं है रोंगयू, तुम मुझे गलत मत समझना। रोंगयू फिर उसके बाद बोलते हैं, मैं समझता हूँ। तब जूलिंग को थोड़ा अच्छा लगता है। रोंगयू के साथी आते हैं और पूछते हैं, आप सैड थोड़े दिख रहे हैं, क्यों चार्ट मैरिज चार्ट अच्छा नहीं गया। तब रोंगयू बोलते हैं, मैं उसका मैरिज चार्ट नहीं देख रहा था, बल्कि 4 साल पहले ही मैंने उसका चार्ट देखा था कि वे जेलिंग में मर जाएगी। उसका बहुत जीवन बहुत अजीब है, लेकिन जब तुम उसका चार्ट देखोगे तो उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। अब उनका साथी बोलता है, यानी मिस ही बस 4 साल जिएंगी। फिर रोंगयू बोलते हैं, कितना भी रोड या रास्ता उसके लिए मुश्किल क्यों ना हो, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और ये जो किस्मत का लकीरें हैं मैं उसे भी बदल दूंगा, चाहे उसके लिए हेवन से लड़ाई ही क्यों ना करना पड़े। अगली सुबह रोंगयू के फैमिली में से रोंग उंग आए हुए थे और बोलते हैं, कल जो भी हुआ उसके लिए थैंक यू, आपने रोंगयू को बचाया, और जूलिंग का तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब रोंग और जूलिंग के फादर एक साथ बात कर रहे होते हैं, तब जूलिंग उनकी बातें सुन रही होती है। तब जूलिंग को लगता है कि वे मैरिज कैंसिल करने आए हैं, पर जूलिंग का जल्द ही ये गलतफहमी दूर हो जाता है। उसके बाद जूलिंग रोंगयू को लेटर लिखती है कि मिलने के लिए, मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कोई इम्पॉर्टेंट बात करना है। पर उसके बावजूद भी रोंगयू उसके एक भी लेटर का जवाब नहीं देता है। जूलिंग अपनी दोस्त को बोल रही होती है कि मैंने उसे टोटल 10 लेटर सेंड किए हैं, पर उसने एक के भी लेटर के जवाब नहीं दिए मुझे। तब जूलिंग की दोस्त बोलती है, शायद वे बिजी होगा, उसको कोई काम होगा। फिर जूलिंग बोलती है, कौन इतना बिजी रहता है कि एक लेटर का जवाब भी नहीं दे सकता, अब तो मैं उसके घर ही जाके उससे मिलूंगी। थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ पर ही समाप्त होता है। आगे के एपिसोड आपको जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।